तो गाइस यार मेरे को पाल पाल मोबाइल डाउन करे हुए, यानी कि यार अपना यूट्यूब वर्ल्ड के अंदर पूरे के पूरे शायद से शायद एक हफ्ता हो चुका है। लेकिन यार अगर आप लोग चेक करोगे तो भाई मेरे पास एक हॉर्स के अलावा कोई और पोकेमोन है नहीं। और गाइस इसकी यार खास से खास वजह यही है क्योंकि यार मेरे पास अपना खुद का एक बेस नहीं है भाई। मैंने जगह एक्सप्लोर कर ली, अपने फूड रन को लिया, काफ़ी कुछ इसमें अपग्रेड कर लिया, लेकिन यार मैंने जब तक भाई बेस नहीं बनाऊंगा अपने लिए तब तक भाई मैं अपने लिए पास कोई पोकेमोन और कहाँ से ले आऊँगा। सो व्हाट्सअप गाइस का सभी लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है दोबारा से गेम प्ले वीडियो के अंदर। आज हम जाने वाले अपने यूट्यूब और राजन वर्ल्ड के अंदर। और गाइस यार आज के दिन हम लोग बनाने अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा बेस, ताकि यार हम लोग को अपने और भी ज़्यादा पोकेमोन को टेम करके अपने पास रख सकें। क्योंकि गाइस यार अभी जब तक भाई मेरे पास कोई खुद का बेस नहीं होगा तब तक भाई मैं और पोकेमोन को यानी पास को भाई टेम नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस इसीलिए आज हम लोग बनाने वाले अपने लिए खुद का एक बहुत ही ज़्यादा मस्त सा बेस, ताकि हम लोग और पोकेमोन को ला सकें। तो चलते हैं गेम के अंदर। गाइस यार आज की वीडियो को फुल वॉच करना क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। चलते हैं गेम के अंदर, देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो। गाइस यार वेलकम बैक हो गया है आप लोगों का हमारे वर्ल्ड के अंदर। और गाइस यार जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग को अपना बेस बनाना है अपने पोकेमोन के लिए, तो यार गाइस हम लोग के लिए एक कोई पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। और गाइस मैंने जगह पे ढूंढ ली अपने लिए, यानी कि यार हम लोग जहाँ पे स्पॉन हुए थे ना गाइस, ये वाली जगह एकदम बेस्ट रहेगी अपने बेस के लिए। क्योंकि यार आप लोगों के पास देखो यहाँ पे अपनी स्पेसिस पड़ी हुई है, और भाई ये जगह जो पर्टिकुलर भाई एक अलग सी जगह लग रही है। और यहाँ पे साथ ही साथ अपना भाई पोर्टल भी है जो कि हम लोग आगे भी एक्टिवेट कर ही लेंगे। तो गाइस जहाँ पे भाई एकदम मस्त ट्री जा रहे हैं, सामने एक मस्त पोकेमोन है जो कि यार ऐसे अटैक नहीं करता भाई, जब तक उससे हम लोग छेड़ते नहीं भाई अटैक नहीं करता हम लोग को। और गाइस बगल में पेड़ लगे हुए हैं तो हम लोग जरूरत पड़े तो यहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही पीछे हम लोग पहाड़ भी है जहाँ से हम लोग अलग जगह पर जा सकते हैं। तो गाइस ये एकदम जगह बेस्ट रहेगी हम लोग के बेस बनाने के लिए। और गाइस यार मैंने बेस बनाने के लिए भाई एक वॉल बनाई थी, और गाइस इसमें लिख के आया था कि गाइस इससे हम लोग प्लेस नहीं करते जब तक हम लोग के पास एक हर्थ नहीं होगा। और यार अगर आप लोग चेक करोगे ना तो भाई हर्थ जो बनता है वो हम लोग का बनता है टोटल अगर आप लोग देखोगे तो भाई हम लोग यहाँ पर चाहिए भाई 70 स्टोन के और भाई 70 वुड लॉक चाहिए। और अभी आप लोग चेक करो तो भाई मेरे पास केवल 61 स्टोन के हैं और साथ ही में भाई 8 वुड लॉक भी हैं। बाकी यार लास्ट वाली वीडियो के अंदर भाई मेरे पास 200 से भी ज़्यादा वुड लॉक थे, और गाइस अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि यार मैंने खुले में रख दिया था चेस्ट के अंदर, और भाई वो 24 आवर्स में भाई डिस्पेयर हो गए भाई, मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन यार गाइस अब मैं इस गेम को काफ़ी अच्छे से समझ चुका हूँ और अब इस ऐसी कोई गलती नहीं होने वाली है। तो चलो यार गाइस फटाफट से वुड कर देना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं अपने घर के पास वाले पेड़ को नहीं तोड़ने वाला हूँ, हम लोग तोड़ेंगे थोड़ा सा आगे जा करके, ताकि अपने घर की लुक भी ना बिगड़े और अपने पास वुड भी आ जाए। तो फटाफट से अपने पास जो भी एक्स है फटाफट से सारे के सारे वुड लोगों को इकट्ठा करता हूँ, और मैं आप लोग सुनता बस 2 मिनट के अंदर। तो गाइस यार अभी का सीन ये कि अगर आप लोग मेरी इन्वेंटरी में चेक करोगे ना तो गाइस यार यहाँ पे पहली चीज़ तो भाई रात हो चुकी है, और दूसरी चीज़ अगर मेरी इन्वेंटरी आप लोग चेक करोगे तो मेरे पास यहाँ पे भाई 88 वुड लॉग इकट्ठा हो चुके हैं। अब बस खाली हम लोग को यहाँ पे स्टोन की माइन करनी है, और आई होप सो डैट कि हम लोग यहाँ से अपने को जितना स्टोन चाहिए वो भाई वो मिल जाए। तो फटाफट से अपने पिकैक्स को चलाते हैं और यहाँ से अपना जितना भी स्टोन चाहिए भाई उसे लेते हैं, और मेरे को मिला यहाँ से 41 स्टोन के। तो बस अब अपना जो हार्ट है ना भाई वो आसानी से बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम खड़े जाते हैं, भाई रात चल रही है तो यार रात ही और बन जाए थोड़ा बहुत बेटर बना लेंगे, जिससे कि हम लोग आगे जाके अपनी जो रात है भाई उसको स्किप कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने यहाँ पे और आते हैं हर्थ को बनाने के लिए हम लोग। तो फटाफट से हम लोग एक हर्थ को बना सकते हैं, और फटाफट से मैंने यहाँ पे अपने एक हर्थ को जो है वो बना लिया है, और अभी हम लोग अपने बेस को शायद से शायद बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग को एक वुड लॉक रखना पड़ेगा, तो ऐसे हर्थ जो है अपनी भाई इसको हम लोग को लाना पड़ेगा अपने नीचे इन्वर्टी वाले ऑप्शन की तरफ को, तो इससे हम लोग रख सकते हैं भाई मिल की जगह पे। और अब देखते हैं भाई क्या होता है, ये कनेक्ट प्लेस थी यार ओके भाई हम शायद यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते भाई, मेरे को यार ये जगह पसंद आ रही थी। लेकिन यार गाइस अभी अपना भाई गेम बता रहा है कि यार हम लोग यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो गाइस यार आई थिंक भाई हम लोग को दूसरी सी एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग अपने लिए एक अच्छा सा बेस बना सकते हैं, पोकेमोन को रख सकते हैं। और गाइस मेन मैं बताऊँ तो यार हम लोग इसीलिए अभी तक इतने ज़्यादा गेम दिन हो चुके हैं और हम लोगों ने अभी तक कोई भी एक अच्छे पोकेमोन को कैप्चर नहीं किया है। अभी आप लोग देखो तो भाई मेरे पास ही बस घोड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब कि यार मैं कुछ भी पकड़ता हूँ तो यार मेरा या तो इन्वेंटरी बढ़ जाती है या आते तो भाई कुछ ना कुछ सामान डिस्पेयर हो जाता है। इसी वजह से हम लोग आज बेस बनाना है ताकि हम लोग पोकेमोन को कैप्चर कर सकें और अपने लिए एक तगड़ी तगड़ी सुपर पावर्स को कलेक्ट कर सकें। और भाई इसमें काफ़ी कुछ है यार कलेक्ट करने को, और अभी हमने भाई कुछ नहीं किया है। तो भाई आज से भाई स्टार्ट हो जाती है अपने एक नई जर्नी की जहाँ पे भाई हम लोग एकदम पावरफुल बनने वाले हैं। तो भाई उसकी शुरुआत मैंने आज तो कर ही दी है। तो फिलहाल अभी हम लोग अपने बेस को बनाने के होते हैं पर्टिकुलर से एकदम मस्त सी जगह। तो भाई यहाँ पर तो भाई मेरे ख्याल से ज़्यादा अपना अच्छा घर नहीं बन पाएगा। तो यार ये जो पहाड़ देख पा रहे हो ना आप लोग, इस पहाड़ को पार करते हैं हम लोग, और फिर देखते हैं शायद ही शायद हम लोग को एक अच्छी जगह मिल जाए। तब तक चलो देखते हैं
कहाँ पे अपने को अपनी एक पर्टिकुलर जगह सी मस्त सी जगह मिलती है। बाकी यार इधर तो भाई पानी आ चुका है यार गाइस, अगर वो काम ही हम लोग नहीं करें तो हम लोग चलते भाई इस वाली जगह की तरफ को। और भाई ऐसी जगह पर चलना है ना कि भाई हम लोग जा भी सकें और आ भी सकें, ऐसी कोई यार गंदी वाली दिक्कत ना हो कि भाई हम लोग जा रहे बाद में लोग ओल्ड सन सी की तरफ आ चुके हैं हम लोग को। और अब भाई मेरे ख्याल से भाई हम लोग का बेस जो है यहाँ पे तो भाई बन जाना चाहिए, भाई यहाँ पे नहीं बने तो भाई कहाँ बने। बाकी भाई वो जगह भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है, मतलब जैसे कि मेरे लिए बनी है कि आ भाई बना ले मेरे घर पास घर। लेकिन भाई हम लोग को ऐसा भी करना है कि भाई हम लोग बना लें फिर उस तरफ हम लोग जा ही नहीं पाए तो भाई बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी भाई सामने कुछ रखा हुआ है जॉम्बी तो नहीं है भाई, अब भाई ये जॉम्बी यार रात को यार कुछ काम करने वाला छोड़ा नहीं इन्होंने भाई, अब ये इधर आए हुए हैं भाई। यहाँ पे भाई पूरा पूरे एरिया बन के रखा हुआ है भाई इन लोगों के लिए, आप लोग देखो तो भाई यहाँ पे लोग ये दिखेंगे। बाकी यहाँ चिकन है तो उनको इग्नोर करते हैं हम लोग। और यहाँ पे भाई पहले से किसी का घर बना हुआ है तो इसके आसपास हम लोग देखते हैं अपना घर कहाँ बना सकते हैं। ये कौन था ये सेकंड और भाई ये थोड़ा पीछे पड़ गया मेरे, अरे भाई तुम ना मेरे भाई इनकी स्पीड बढ़ गई थोड़ी बहुत, अगर लोग देखोगे ना तो भाई ये थोड़ा तेज भाग रहे हैं लेकिन इतने में नहीं, तुम्हें भाई को पकड़ लें। तो भाई अभी हम लोग देखते अपने लिए कोई जगह, बाकी यहाँ पे तो भाई इन लोगों ने अपना घर बना के रखा हुआ है तो यहाँ पे इन लोग नहीं बनाने वाले ऑफकोर्स यार, थोड़ा दूर बनाने वाले इन लोगों से, वरना यार फालतू में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो यार अभी मेरे को वो नहीं करनी। बाकी यार कितने ज़्यादा मस्त जंगल पे आ चुके हम लोग, तो ये कौन सा जानवर भाई अटैक नहीं करेगा ना मेरे को, अरे भाई अटैक कर रहा है भाई सारे के सारे भाई जितने भी दिख रहे हैं ना भाई, यहाँ पे कोई सगा नहीं भाई जितने भी बनते ना भाई सब अटैक करने के तुरंत ही आते हैं हम लोग को। तो भाई ये जगह तो भाई मेरे घर की लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा यार जैसे इन लोगों ने भाई मेरे लिए जगह छोड़ के रखी हुई हो। लेकिन यार अभी इन लोगों को वेट करना है यार यहाँ पे दिन होने का, क्योंकि यार रात में मैं घर बनाने बैठूंगा ना तो भाई ये लोग भाई छोड़ने वाले नहीं है मेरे को। तो भाई थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा सुबह होने का, तो फटाफट से भाई जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए तो उतना ही हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये जगह भी भाई मस्त लग रही है, यहाँ भी मस्त सी। ये भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार भाई, कोई और काम नहीं क्या भाई, मेरे पास भी बोल जा आजा 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 भाई, इसकी भाई कितनी ज़्यादा एचपी है। बाकी मैंने मार के भगा तो दिया है और सुबह हो चुकी है और ये लोग भी भाग चुके हैं इसके साथ। तो यार हम लोग यहाँ पे अपना घर जो है बना सकते हैं, उन लोगों से भी दूर है हम लोग और पीछे हम लोग पहाड़ी आड़ी भी है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना घर जो है वो हम लोग इसी तरफ को बना ले। तो फटाफट से अपने हर्ष को निकालते हैं और यहाँ पे घर बनाने गई। भाई अभी हम लोग को जो हर्ष का नाम रखा था वो हम लोगों ने दब दिया है और बेस अपना भाई ये कुछ ज़्यादा मस्त लग रहा है। आफ्टर क्रिएटिंग अ हर्ष प्लीज मेक अ हर्ष कॉर्नर एंड चूज योर सुटेबल लोकेशन एंड सर्ट अ हर्ष बिल्डिंग। तो गाइस मेरे को भाई ये वाला घर जो है मस्त लग रहा है, मैं इसे बना के देखता हूँ भाई बन जाना अच्छे से। तो गाइस अपने हर्ष की जो लोकेशन है भाई वो आ चुकी है। तो गाइस आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ना भाई टोटल अपना एरिया दिखा रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग करने के लिए। तो भाई मेरे को हर अपना जो हर्ष है भाई वो लंबा टाइप का बनाना है कुछ। तो भाई ऐसा आप देखोगे ना तो अरे भाई इधर नहीं थोड़ा सा इधर पे। तो भाई ये अपना पूरा बेस बनने वाला है यहाँ पे। तो भाई ये पूरी जगह हम लोग कर सकते हैं और भाई चढ़ने के लिए जगह हम लोग को भाई ये बताओ आप लोग भाई सी की तरफ करूँ मैं जगह की पीछे करूँ, बाकी क्या ही दिक्कत है, हम लोग सी की तरफ भी कर सकते हैं। तो मेरे को बस सी से चढ़ के आना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप लोग बता दो यार सही जगह नहीं कर। तो भाई हम लोग यहाँ पे से फिट कर दिया हम लोगों ने और अपना जो हर्ष है वो यहाँ पे भाई बन के आ चुका है। तो फटाफट से आ जा भाई नीचे। और ये गाइस ये जगह जितने आप देख पा रहोगे कि तुम्हारे भाई ने बाय कर ली है, पूरा पूरा भाई प्लाट बन चुका है अपना और यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग चली है। और ये रहा भाई तुम्हारे भाई का एक मस्त सा बेस जो कि भाई देखते में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। आप लोग जाके भाई कमेंट में बताओ कि बेस जो है वो आखिरकार भाई कैसा लग रहा है, वही बस मेरे साथ रहने वाला है ना। तो गाइस यार सबसे पहले तो भाई मैं काम करने वाला हूँ, पहले चलते हैं भाई अपने घर के अंदर। और सबसे पहले यार अपने जो क्या अरे भाई गेट खोलना है यार, खोल गेट फटाफट से भाई, इसकी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है भाई इससे कुछ करा ही नहीं जा रहा है। तो फिलहाल अभी अपने गेट खुल चुका है, फटाफट से अपनी जो क्राफ्टिंग टेबल है ना भाई उसको यहाँ पर लगा रहते हैं। तो मेरी क्राफ्टिंग टेबल यार हम लोगों ने बना के रखी ली थी पहले से ही, तो फटाफट से अपनी क्राफ्टिंग टेबल को हम लोग क्राफ्ट मतलब बिल्ड कर देते हैं। तो इसको हम लोग भाई कहाँ पर रख सकते हैं मस्त जगह को दूर बताओ आप लोग। तो मेरे ख्याल से भाई देखो मेरा जो बेड होने वाला है वो उस तरफ होने वाला है, तो अपना जो क्राफ्टिंग एरिया होने वाला है वो हम लोग होने वाले इस साइड को। तो मैंने अपनी जो क्राफ्टिंग टेबल बनाया उसको यहाँ पर रख तो दिया आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग आराम से ऐसे मतलब सोचो बाहर से आ रहे हैं यहाँ से हम लोग अपने काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई कुकिंग साइड का एरिया हम लोग रखने वाले इस जगह पर, बाकी तो पूरा का पूरा जो एरिया भाई वो भर चुका है तो उसको हम लोग देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे फटाफट से लोग बनाते अपने लिए एक वाटर स्किन, और वाटर स्किन मेरे खास बनती तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इधर पे और वाटर स्किन कहाँ की भाई मेरी एक सेकंड। तो गाइस यहाँ में लोग भाई तीन वाटर स्किन को बना सकते, लेकिन हम लोग बनाने भाई एक ही वाटर स्किन। तो भाई फटाफट से अपनी जो एक वाटर स्किन है भाई वो आ चुकी है, और भाई वाटर स्किन तो भाई हम लोग फटाफट से एक थोड़ा बहुत पानी भर के लाते हैं अपने पीने के लिए, जिससे कि अपना बहुत ही ज़्यादा काम जो भाई आसान हो जाएगा।
और भाई ये देखो कितनी ज़्यादा पास है अपने, यहाँ से उतरो जहाँ पे हो फटाफट से अपनी वाटर स्प्रिंग निकालो पानी, मतलब कितने ज़्यादा फुल मजे अपने, तो फटाफट से यहाँ से पानी लेते हैं। और पानी जो आ तो भाई अपने लिए अच्छा सा हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी आप लोग सोच रहे हो भाई मेरे पास खाने के लिए क्या दिक्कत है, तो भाई खाने के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग भाई मेरे ख्याल से भाई इन पोकेमॉन को भी खा सकते हैं मेरे ख्याल से भाई, ट्राई हम लोग इसे अपने पास ले लेंगे। और भाई फिलहाल इसको भाई हम लोग ने किल कर दिया है, मन तो नहीं था लेकिन अपने पास फूड तो आ चुका है, तो अभी चलते हैं भाई इसके हम लोग अपने घर के अंदर रैली के अंदर, और अभी देखते हैं भाई अपने खाने के लिए कुछ जुगाड़ हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यार लोगों को नेक्स्ट अपनी छोड़ जो होने वाला है इस गेम का वो भाई कुछ अलग लेवल का होने वाला है, क्योंकि यार जैसे कि यार लोगों ने अपने लिए घर बना लिया वैसे भाई उनको अगली वीडियो में अपने लिए कुछ अच्छे पार्टी वाले पोकेमॉन से भी कैसे करना है, तो भाई उसका हम लोग देखने पड़े कब लोग कर सकते हैं पोकेमॉन। अरे भाई दर्जा बंद करो यार, दर्जा नहीं खोलना। तो गाइस यार अभी यहाँ पे भाई सुबह हो चुकी है, और साथ ही में अभी भाई मैंने चेक किया कि भाई हम लोग बेड कैसे बना सकते, तो भाई बेड बनाने में भाई बहुत ही ज़्यादा सामान यूज़ करेगा, जिसकी वजह से अगर मैं उसे कट करने चला तो भाई तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाने वाली है। और तो भाई यहाँ का सवेरा भाई बहुत ही कूल सा है, क्योंकि अपने करेक्टर भाई देखो थक चुका है, तो इसलिए यार मैंने अभी यहाँ पे भाई जितने भी हम लोग को भाई स्लीपिंग बेड बना लीजिए सामान यूज़ अब भाई मैंने उसमें सारा सारा कट कर लिया है, और ये रहा भाई अपना सारा सारा सामान, तो भाई स्लीपिंग बैग तो भाई अपने पास बन के तैयार हो ही चुका है बस दो मिनट के अंदर। तो गाइस यार भी आप लोग चेक करो तो भाई मेरे पास यहाँ पे स्लीपिंग बैग बन के आ चुका है, अब बस मेरे को देखना भाई इसका यूज़ आगे तक कैसे होता है, मतलब कि क्या हम लोग को कहीं पर रखना पड़ता है इसे, तो ये बस डक के देख लेते हैं हम लोग कहीं पर, तो फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं और हम लोग इसे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो गाइस इससे हम लोग रखने वाले इस जगह की तरफ को, और अभी कुछ दिन तक हमारा यही बेड होने वाला है, तो गाइस हम लोग चाहे तो यहाँ पे से अंदर जाकर सो सकते हैं, लेकिन रात ही सो सकते होंगे ऑफ कोर्स, तो ये होने वाला हम लोग सोने के लिए, क्योंकि यार काफ़ी यार मस्ती चीज़ हो गई है। और अभी आप लोग मेरे घर को बाहर के अगर देखोगे ना, तो गाइस मेरे घर ये तो अंदर का हो गया और ये बाहर का हो गया, तो गाइस ये अभी स्टार्टिंग थी, और अभी हम लोग यहाँ पे भी काफ़ी कुछ बिल्ड करने वाले हैं आगे चल के। यार हम लोगों ने अपने लिए एक अच्छा सा एक घर बना लिया है, जहाँ हम लोग खुद रह सकते हैं, रात सर्वाइव कर सकते हैं और अपने पोकेमॉन्स को लाके रख सकते हैं। तो गाइस यार अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग कर ली अपने बेस की, और मेरे ख्याल से यार अब हम लोग अच्छे से अच्छे पोकेमॉन्स को टेम कर सकते हैं। बाकी यार अब मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि मेरे को अपने घर के ऊपर क्या क्या रिनोवेट करना है, और साथ ही यार आप भी लोग बताओ यार मेरे को कौन से एक पोकेमॉन को टेम करना चाहिए, जाके नीचे जाके कमेंट में बताना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब बटन को तोड़ डालो और लाइक के बटन को फोड़ डालो। तो बाकी यहाँ गाइस यार आज की वीडियो में बताई, आई होप आप लोग पसंद नहीं होगी, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।